बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाई टाइगर थ्री टाइगर थ्री पर हुई नोटों की बारिश जी हां सलमान खान की स्पाइक थ्रिलर फिल्म टाइगर थ्री इस दिवाली पर रिलीज के लिए तैयार है फिल्म टाइगर फ्रेंचाइजी का तीसरा सीक्वल है इससे पहले एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा चुकी है ऐसे में सवाल यह है कि क्या अपकमिंग फिल्म टाइगर थ्री पिछले जो पार्ट्स एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है को मात दे पाएगी और क्या उससे ज्यादा का कलेक्शन कर सकेगी ये एक बड़ा सवाल है टाइगर फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म एक था टाइगर साल 2012 में 15 अगस्त पर रिलीज हुई थी देश के रॉ एजेंट पर बेस्ड इस फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 32 करोड़ रुपए की शानदार ओपनिंग की थी फिल्म की घरेलू बॉक्स ऑफिस पर एक करोड़ रुपए का कारोबार किया था वही वर्ल्ड वाइड एक था टाइगर ने तीन पैंतीस करोड़ रुपए की कमाई की थी आपको बता दें कि साल 2017 में टाइगर फ्रेंचाइजी की दूसरी फिल्म टाइगर जिंदा है रिलीज हुई इस फिल्म को एक था टाइगर से ज्यादा प्यार मिला और फिल्म ने जबरदस्त कमाई की जहां एक था टाइगर ने बत्तीस करोड़ की ओपनिंग की थी तो वहीं टाइगर जिंदा है ने चौतीस करोड़ कमा डाले महज एक हफ्ते में ही फिल्म दो करोड़ के क्लब में शामिल हो गयी और घरेलू बॉक्स ऑफिस आरोप कुल तीन चालीस दशमलव सोलह करोड़ रुपए का कलेक्शन किया टाइगर थ्री की बात करें तो तीन सौ पचास करोड़ रुपए से ज्यादा के बजट में बने इस फिल्म को लेकर फैंस में काफी क्रेज देखा जा रहा है कई ट्रेड एनालिस्ट की माने तो फिल्म ओपनिंग डे पर चालीस करोड़ की कमाई कर सकती है रोहित जायसवाल ने कुछ समय पहले एक पोस्ट के जरिए बताया था की टाइगर थ्री ओपनिंग डे पर सैंतीस ऐसी चालीस करोड़ रूपए का कलेक्शन कर सकती है हालाँकि मूवी कितना कमाएगी ये तो रिलीज के बाद ही पता चलेगा क्या आप भी तैयार है टाइगर थ्री देखने के लिए हमें कमेंट करके जरूर बताए और खबरों के लिए बने रहे फिल्मी संवाद के साथ मैथी नम्रता धन्यवाद